नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले इंडियन एयरफोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अपने एक्स वाई ग्रुप जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021 का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, पूरी जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट rojgarresult.com को ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, rojgarresult.com जिससे आपको इंडियन एयरफोर्स का एडमिट कार्ड, यहाँ पे आप नीचे आएंगे देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एडमिट कार्ड दिया है, डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ही बताऊंगा, और एडमिट कार्ड में एक बहुत ही बारीक चीज़ है वो भी आपको बताऊंगा। जिसको बिगड़ देखा है वीडियो को बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, वरना अगर आपने उसको देखे बंद कर दिया तो आप एग्जाम देने से वंचित भी रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ। दोस्तों हमारी दूसरी वेबसाइट है sarkarirezult.com। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की नंबर वन वेबसाइट sarkarirezult.com। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी सरकारी रिजल्ट खोलना है लास्ट में .com जरूर लगाना है, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई। तो चलिए दोस्तों सीधा हम इंडियन एयरफोर्स 1/2021 एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं इसका एग्जाम जो है 19 से 23 मार्च के बीच होना है, और ये एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक आ गया है। यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र आईडी में यानी कि आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, वही आईडी डालनी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाली थी। साथ में आपको अपने ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है, इंडियन एयरफोर्स में फॉर्म भरते वक्त आपने जो पासवर्ड जनरेट किया था वो पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे नीचे कैप्चा दे रहा है वो डालना है। तीनों चीज़ डालने के बाद आप डैशबोर्ड में एंटर होंगे। चलिए मैं डाल के आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आफ्टर द लॉगिन आपको इस तरीके का पेज नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो। ये देखिए एडमिट कार्ड, देखिए 5 नंबर ऑप्शन नया जुड़ गया है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फेस वन। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, एडमिट कार्ड इसका PDF में डाउनलोड हो रहा है, यानी कि एडोब रीडर आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड में क्या खास बात है वही मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ आपको इसी बता दूँ, एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। साथ ही साथ आप इसको rojgarresult.com और sarkarirezult.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है 1/2021 का, ये देख सकते हैं। एडमिट कार्ड में हॉल टिकट, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, साथ ही साथ आपकी फ़ोटो दे रहा है। इसी तरह की एक फ़ोटो आपको बगल में लगानी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ तो दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि ये नीचे आपको इसमें एग्जाम का डिटेल भी दे रहा है, आपका वेन्यू कहाँ गया है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस एडमिट कार्ड को आपको कलर में प्रिंट आउट लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में एडमिट कार्ड अक्सर जो है वहाँ पे दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा इसका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट मत लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है बाद में। तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, उसका एडमिट कार्ड कलर में लेना है आपको, और साथ ही साथ एग्जाम के जो इंस्ट्रक्शन है अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो दोस्तों फिर आपको बता दूँ, इसका लिंक जो है हमने दे रखा है उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप कर लीजिए, नहीं तो sarkarirezult.com और rojgarresult.com के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।